हेलो क्लास, आज की जो हमारी प्रॉब्लम दी गई वो दी गई है 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 3 की पावर x इक्वल टू 324। हमें फाइंड करना x की वैल्यू क्या होगी। इसे फाइंड करने सबसे सिंपल ट्रिक बताएंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को देख लीजिए। यहाँ आपको देखने को मिला इस वाले में कि 3 की पावर x प्लस 1 है। तो आप चूंकि जानते हैं कि अगर a की पावर m प्लस n लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n रहा होगा। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये हो सकता है हमारा क्या 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ये रहा होगा। इन दोनों को जोड़े होंगे तभी तो ये मिला होगा हमको, ठीक ना। अब प्लस 3 की पावर x इक्वल टू कितना 324, ये लिख लिया हमने। अब देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं, 3 की पावर x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 3 और यहाँ बचेगा हमारा 1 इक्वल टू 324। अब इनको ऐड कर लीजिए। देखिए 3 की पावर x ऐड करेंगे कितना मिलेगा 4 इक्वल टू 324। अब ये मल्टीप्लाई में इसके साथ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 की पावर x इक्वल टू क्या आएगा 324 अपॉन में 4। अब 4 से काटिए, देखिए 4 4 इज 32, फिर 4 इज 4 81 आएगा। अब इस 81 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 4, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 और 3 यहाँ जो बेस है वो इक्वल है, तो इसका मतलब x और 4 भी क्या हो जाएंगे इक्वल। हमारा x का आंसर क्या आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।